जयसिंह दरबार को विद्युत सलाहकार समिति में सदस्य बनाए जाते ही कांग्रेस में बवाल मच गया है और नियुक्ति के विरोध में कलह की शुरुआत हो गई है। सोमवार को उनकी नियुक्ति से नाराज कांग्रेसियों ने विश्वविद्यालय की सेंट्रल लाइब्रेरी के सामने स्थित गांधी जी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया और जयसिंह दरबार को विद्युत सलाहकार समिति में पद देकर उपकृत किए जाने का विरोध किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की। कांग्रेसियों का कहना था कि जो व्यक्ति पार्टी से बाहर है उसे कैसे विद्युत सलाहकार समिति का सदस्य बनाया जाता है। इस नियुक्ति से कांग्रेस का वह कार्यकर्ता अपने आप को कुंठित महसूस कर रहा है जो पार्टी के लिए पूरी निष्ठा से काम करता है। विरोध कर रहे कांग्रेस के इन जमीनी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के उन नेताओं पर भी निशाना साधा जो शहर और जिला कांग्रेस चला रहे हैं। उनके मुताबिक इन नेताओं को कम से कम यह सोचना चाहिए कि पार्टी से गद्दारी करने वाले और बागियों को उपकृत न करे। कांग्रेसियों के मुताबिक जयसिंह दरबार पार्टी से दो बार बागी होकर चुनाव लड़ चुके हैं और दोनों ही बार उन्होंने पार्टी की कब्र खोदी है। हालांकि लोकसभा चुनाव में उन्हें पार्टी के लिए काम करने के लिए मौखिक रूप से बोल दिया गया था लेकिन विधिवत वापसी अभी तक नहीं हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर उन्हें विद्युत सलाहकार समिति का सदस्य बनाकर उपकृत कर दिया गया है। मैं और मेरे जैसे कई साथी कई वर्षों से जो है कांग्रेस में काम कर रहे हैं। मैं यूथ कांग्रेस का भी ब्लॉक अध्यक्ष रहा हूँ, बड़ी कांग्रेस में भी 10 साल कांग्रेस चलाई है। जिन लोगों ने झंडे उठाए, जिन लोगों ने कार्यक्रम किए, जिन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, जिन लोगों ने बंद में जिन लोगों ने डंडे खाए हैं, उन लोगों को जो है सुना कम जा रहा है। कार्यकर्ताओं की बातें ऊपर तक नहीं पहुंच रही है और हमारे वरिष्ठ लोगों को जो है गुमराह किया जा रहा है और कांग्रेस के जो जमीनी कार्यकर्ता हैं उन लोगों को पीछे रखा जा रहा है और जो नए नए लोग हैं अवसरवादी लोग हैं जो कांग्रेस को जो है नुकसान पहुंचाते हैं ऐसे लोगों को जो है सम्मानित किया जा रहा है। इससे जो है जमीनी कार्यकर्ता अपमानित हो रहा है और अपने आप को कुंठित महसूस कर रहा है। लोगों के मुताबिक वैसे भी जयसिंह दरबार को विद्युत सलाहकार समिति का छोटा सा पद नहीं लेना चाहिए क्योंकि वह ऑलरेडी 3 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और एक बार तो पार्टी ने उन्हें टिकट देकर चुनाव लड़वाया। वहीं करीब 5 से 6 साल तक वे कांग्रेस के जिला ग्रामीण के अध्यक्ष भी रहे हैं। ऐसे में उन्हें खुद भी विद्युत सलाहकार समिति जैसे छोटे से पद को स्वीकार नहीं करना चाहिए। वीवीएस सेंगर, सिटी चैनल, उज्जैन। 3 साल तक नहीं लिया जाएगा बागियों को, लेकिन फिर भी बागियों को पुनः लिया जा रहा है, उन्हें पद दिया जा रहा है। और जो टेबल पे काम करता है, जो दिन रात धूप सहता है, अपना खून पसीना लगाता है, उस कार्यकर्ता को छोड़कर एक विपक्ष में जो काम करता है, पार्टी के विरोध में जो काम करता है, जो अपनी माँ को चोट पहुंचाता है, उस कार्यकर्ता को उपेक्षित किया जा रहा है, अपने ओरिजिनल कार्यकर्ता को उपेक्षित किया जा रहा है और जो नुकसान पहुंचाता है उसे सम्मानित किया जा रहा है, उसे पुरस्कार दिया जा रहा है।